हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए खूबसूरत सी एक कलर की, चूँकि ये मल्टी कलर है, एक कलर की खूबसूरत सी बेबी पैंट। और बहुत आसान पैंट है, एकदम सिंपल है, जिसके नीचे डिज़ाइन है, थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर। इसमें मैंने स्टार स्टिच की डोरी लगाई है। ये मैंने 0 to 3 month बेबी के लिए बनाई है, मगर ये 6 month बेबी को आराम से हो जाएगी, सिर्फ फंदों की चौड़ाई बढ़ानी है। तो ठंडियों में इस तरह की पैंट्स बच्चों के बहुत काम आती है, और हाथ से बनी हो तो क्या बात है, इसकी गर्माहट भी बहुत अच्छी होती है। तो आज हम ये खूबसूरत सी पैंट बनाना सीखेंगे। इसमें मैं आपको फुल मेज़रमेंट बताऊंगी, लेंथ वगैरह भी, और इसकी ब्रेथ भी, बड़े साइज़ का कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पैंट को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सलाइयाँ ली हुई हैं, और मैं आपको फंदे डालने से लेके पूरा प्रोसेस बताऊँगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम धागा लेंगे। हमको 40-41 फंदे डालने हैं, क्योंकि ये न्यूबॉर्न टू 6 month बेबी के लिए है। तो हम 41 फंदे डालेंगे, और एक एक साल के बेबी के लिए आपको तीन तीन फंदे, दो दो फंदे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हम इतने फंदे ले लेंगे, इतना लेंगे कि हमारे 40 फंदे आराम से आ जाएँ। धागा कम पड़ेगा तो आपको फिर से खोलने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने ट्रिपल धागा ले लिया, देखिए 3 बार ऐसे लिया है, और इसको आपको ऐसे, इस लूप को इसमें डालना है, ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे लूप बना के इसमें, देखिए इस तरह से हम फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको फंदा बनाना है, ऐसे ये धागे को ऐसे लेना है, ऐसे करना है इसमें, और इस धागे से लूप बनाना है, ठीक है। और देखिए, जब हम बुनेंगे तो ये जो लूप वाला फंदा है वो इसके अनुसार बिना जाएगा, इसको अलग से नहीं आपको काउंट करना, काउंटिंग आपकी यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये फंदे भी बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको धागा लेना है, इसमें इसको फंसाना है, और ये इस तरह से। तो मैं 41 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने टोटल 41 फंदे डाले, इसको छोड़ के, देखिए जो लूप वाला फंदा है इसको छोड़ के, ये इसके साथ बुना जाएगा। तो अब देखिए, सिलाइयाँ काउंट करिए, क्योंकि एक पैटर्न बनाएंगे हम, और उसको हम 2 बार बनाएंगे, ठीक है। तो पहली सिलाई में आपको सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि पहली सिलाई है तो फंदे थोड़े टाइट हैं, तो इसे हम आराम से बुन लेंगे। देखिए बना लेते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए, हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया, और लास्ट वाला फंदा देखिए, ये मैंने पता था कि इसके साथ लेके बुनेंगे, ठीक है। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, अब दूसरी सिलाई में फिर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, ठीक है। देखिए सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए, तीसरी रो हमने कंप्लीट कर ली, अब चौथी रो में फिर हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। सॉरी, तीसरी लाइन है ये, तीसरी लाइन में हमने फिर से बुन लिया सबको। ये देखिए, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, अब हमारी चौथी सिलाई। फ्रेंड्स, रो काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये 8 लाइन की एक हम डिज़ाइन बनाएंगे, जिस 8 लाइन को हमें फिर से रिपीट करना है, ठीक है। ये हमारी 4th रो है, ठीक। तो सारे फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, अब 5वीं सिलाई फिर आपको उल्टा उल्टा बुनना है, यानी कि टोटल फंदे डालेंगे 5 सिलाइयाँ आपको उल्टा उल्टा बुननी है, इसके बाद हमारी डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। ये देखिए, तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब 6th सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से, 6th रो। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 फंदों को तो आपको उल्टा बुनना है, 1 2। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए, 2 फंदों को इस तरह से हम बुनेंगे एक बार, फिर उन लपेटेंगे, लूज़ बनाएंगे इसको, लूज़, देखिए, फिर इसको बना लिया, ठीक है। अब ये फंदा हमने गिराया, तो ये जो ऊपर वाला फंदा है, देखिए इसको उठाया, फिर इसमें हमने एक फंदा बना लिया, ठीक है। तो यही पैटर्न आपको लास्ट तक बनाना है। देखिए, 2 फंदों को हमने एक किया, ठीक है, फिर इसे लपेटा, और फिर इसे हमने एक बनाया, और फिर इस फंदे को, देखिए इस फंदे को हम फिर से बना लेंगे, ठीक है। फिर देखिए, 2 को हमने एक बार बनाया, फिर उन लपेटा, फिर इसको बनाया एक बार, और फिर इसको हम वापस से बना लेंगे, ठीक है। तो यही आपको लास्ट तक बनाना है, एक बार और देख लीजिए। 2 फंदों को हमने एक बार उल्टा बनाया, ऊन लपेटा, फिर एक बार उल्टा बनाया, अब इसको हमने ऐसे लिया और इसके पीछे से बुन लिया इसको, ठीक है। तो 2 फंदे में हम 4 फंदे बनाएंगे, तो बना लेते हैं।
ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी, लास्ट में एक फंदा ऐसे हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। ठीक, अब हमारी सेवन्थ रो है, सिक्स रो हमने कंप्लीट कर ली, अब हमारी सेवन्थ रो है, ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा है इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए दो के चार किए हैं तो पहला फंदा तो आपको उल्टा बुनना है, ठीक है। फिर ऊन पीछे करेंगे और ये जो तीन फंदे हैं बाकी के, इन तीनों को पीछे की साइड से हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइट रहता है इसको, ध्यान से आपको बुनना है। देखिए इनको हम ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे सीधा बुन लेंगे, ठीक है। फिर उन आगे करेंगे, एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, उन पीछे करेंगे, फिर इन दोनों को हम पीछे से सीधा बुन देंगे। फिर उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उन पीछे, इन तीनों को हम एक साथ बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर उन आगे करेंगे, देखिए एक फंदा आपको उल्टा बुनना है, फिर उन पीछे, ये तीन फंदों को आपको एक करना है। तो ये हमारी सेवन्थ रो है, इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने सेवन्थ रो कंप्लीट कर ली। लास्ट एट्थ रो हम रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो आठ सिलाई में सिर्फ दो सिलाई में डिज़ाइन है, बाकी सारे जो छह सिलाइयां हैं वो उल्टा उल्टा है, ठीक है। तो इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमारी आठ सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से रो फर्स्ट से, यहाँ से जो आपने आठ सिलाइयाँ बुनी है इसको एक बार और बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने बना रखा है, इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रो एट, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर वहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो आठ लाइन आपको फिर से बनानी है। तो इसको हम बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 16 रोज बना लिए, 16 सिलाइयाँ बना ली। अब चार सिलाई हमें फिर उल्टा उल्टा बनाना है, ठीक है। पहली सिलाई, ये देखिए ये मैंने चार सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा बना ली, देखिए ये वाली और ये वाली, दो ये दो ये। अब आपको क्या करना है, फंदे बढ़ाना है, आपको सीधा उल्टा बुनना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बार तो सीधा बुनना है कॉर्नर वाले फंदे में, फिर एक बार इसी में उल्टा, ठीक है। फिर इसको पीछे करेंगे, अब सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, पहले लास्ट तक बुनते हुए आएंगे। ये देखिए इसे हमने कंप्लीट कर दिया, लास्ट वाला फंदा है। तो इसमें आपको एक बार उल्टा बुनना है, फिर एक बार सीधा, ठीक है। अब देखिए ये हमने सीधा बुन लिया, अब पांच सिलाई बुननी है आपको, तीन पीछे से उल्टा उल्टा और दो आगे से सीधा सीधा। तो छः सिलाई मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, और छः छः सिलाई पर आपको एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है। जैसे ये मैंने बढ़ाया है, इस तरह से बनाना है। 41 फंदा था तो हमारे पास 57 फंदे होने चाहिए। तो इसको बना लेती हूँ पहले। ये देखिए ये टोटल मैंने छः सिलाइयाँ बुन ली हैं। देखिए यहाँ से हम काउंट करें तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः सिलाई। अब यही छः सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है, मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए जैसे ये वाला है, ये जो पोर्शन है देखिए, तो ये तिरछा जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से छः छः सिलाई के बाद आपको ये देखिए दोनों साइड से आपको एक एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे मुड़ गया है ये, तो ये ऐसे जाएगा तिरछा तिरछा, सीधा ना जाके तिरछा जाएगा। तो आपको जहाँ आपके 57 फंदे जाएंगे, 57 फंदे हो जाएंगे, वहाँ आपको रोक देना है। फिर उसके बाद हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसको आपको देखिए यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक मैंने बनाया है। इसकी हम मेजरमेंट अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ले लें तो ये टोटल 9 इंच है, 9 से 9.5 इंच तक मैंने इसको बनाया है, छः छः सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए। तो आपको ऐसे ही ये छः सिलाइयाँ बार बार रिपीट करनी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे टोटल 57 फंदे हो गए, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो भी टोटल देखिए 9 इंच के करीब हो चुकी है। अब यहाँ से आपको दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ाना है, ठीक है। सेम उसी तरह से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे में हम दोबारा उल्टा बुनेंगे। तो ये आपको हर सिलाई में करना है, ठीक है। फिर सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दी, लास्ट में एक फंदा है, तो इसमें एक बार हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार सीधा, ठीक है। तो राइट साइड की हर सिलाई में आपको ऐसा करना है, पांच फंदे इस साइड और पांच फंदे इस साइड बढ़ाना, यानी कि टोटल 10 सिलाइयाँ बनानी है। रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है, ठीक है। तो रॉन्ग साइड से आपको कोई चेंज नहीं करना है। 67 अभी ये 57 था, 57 फंदे थे, अब आपके 67 फंदे होने चाहिए। तो ये आप हर सीधी साइड से करेंगे, ठीक है।
ये देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली। अब फिर सीधी साइड पे देखिए, ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसी फंदे को हम उल्टा। तो ये हमारी दूसरी सीधी सिलाई है जिसमें हम ये फंदा बढ़ा रहे हैं। तो टोटल 5 सीधी सिलाइयों में आपको ये फंदा बढ़ाना है, 10 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, फिर इसके बाद हम बढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमने हमारे 67 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। जितने फंदे हैं उसी को हम 7 से 8 इंच की बुनाई कर लेंगे आसन के लिए। जो यहाँ से पैर है, ये ऊपर कमर का हिस्सा, जो हिप्स के ऊपर का हिस्सा है ये है, तो इसके हम 7-8 इंच बुनाई ऐसे ही कर लेंगे बिना फंदे बढ़ाए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं। ऊपर हम डोरी डालने के लिए जाली वाली डिज़ाइन बनाएंगे, तभी इसको बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 इंच की बुनाई कर ली। ये देखिए, जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना बंद किया था वहाँ से हमने 7 इंच बुन लिया है। अब हम इसको जो है 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, तो 4 सिलाइयाँ आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है। तो मैं 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। पहले दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये हमने 4 लाइन बना ली है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। 5वीं लाइन में हम यहाँ पे 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2, 2 फंदे बुने, ऊन आगे किया और 2 फंदों का हम 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा। ठीक है, अब यही पैटर्न रिपीट करना है, ऊन आगे 2 फंदे का 1 करेंगे और 1 फंदा सीधा, ऊन आगे 2 का हम 1 करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे 2 का हम 1 करेंगे और 1 फंदा सीधा। ठीक है, ये देखिए, तो यही पैटर्न आप लास्ट तक बनाते जाइए। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब पीछे से हम 1 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे पहले, तो ये सारे फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। फिर 4 सिलाई हमें उल्टा उल्टा बुननी होगी, पहले इसको बना लेते हैं। ये देखिए, हमने पीछे से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर हम 4 सिलाई, देखिए ये जो 4 सिलाई ये हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, तो बुन लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने 4 में से केवल 3 लाइन बनाई है, 4थी लाइन में हम फंदों को बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे देख लीजिए आप। 2 फंदों को पहले 1 करेंगे, फिर ये जो फंदा है इसको वापस सिलाई में लेंगे, फिर इसको और एक पीछे के फंदे को लेके 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही आपको सारे फंदों को बंद करना है, बहुत टाइट नहीं बंद करना है और लूज़ भी नहीं रखना है, वरना ये यहाँ से झोल आ जाएगा। बंद कर देते हैं। ये देखिए, सारे फंदों को बंद कर दिया, लास्ट में 1 फंदा बचेगा, तो इसमें से हमें बड़ा धागा निकालना है, क्योंकि इसी से हमें सिलाई भी करनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बड़ा धागा लेके इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए, ऐसे ही हमें दोनों पैर बना लेना है। ठीक है, जैसे मैंने एक पहले से बना रखा है, देखिए यहाँ पर भी इस तरफ मैंने धागा छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको इस एक किसी भी एक में, देखिए यहाँ पे इस तरफ है और यहाँ पे इस तरफ है। ठीक है, एक में आप देखिए यहाँ पे इस तरफ है और इसमें इस तरफ है, तो एक में आप सुई को डाल दीजिए। अब देखिए, इसको और इसको, देखिए ये एक इस पैर को और एक इस पैर को, दोनों को अलग करके देखिए, ये जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाना बंद किया है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से इसको हमें सिल लेना है। ठीक है, सिलाई करेंगे हम बिल्कुल। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो इसकी सिलाई हम कर लेते हैं। ये देखिए, इतना हमने सिल लिया। अब इस धागे को आपको यहीं छोड़ देना है, आगे अभी सिलाई नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी साइड देखिए, जो दूसरी साइड वाला धागा है इसमें आपको सुई को डाल देना है। ये देखिए इस तरह से, अब इसको और इसको, इस तरफ वाले को, इसको लेके देखिए इस तरह से, जैसे हमने उधर सिलाई की है वैसे ही हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए, तो सिल लेते हैं इसको भी।
ये देखिए दोनों साइड हमने सिल लिए, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड हमने सिल लिए। अब इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद जिस तरह आपकी सुई है अभी, ठीक है, इसको लेंगे और देखिए ये बीच में, ठीक है, इतना हमने सिला, देखिए इतना हमने सिल लिया है। तो इसको हम इसी पर इस तरह से देखिए बीच सेंटर में हम इसको सुई को ऐसे ऐसे लेंगे। अब आपको ये पैर देखिए इस तरफ एक साइड का पैर देखिए यहाँ पे हमने सुई को जोड़ा, देखिए इस तरह से इसको आपको ऐसे रखना है और ये इसकी आपको सिलाई करनी है, ठीक है। एक साइड का पैर इस पे आपको याद रखिए बखिया करना है इस तरह से, वरना इसकी जो सीएन है वो बहुत जल्दी खुल जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हम लास्ट तक सिल लेंगे और ऐसे ही सुई, ये जो धागा है देखिए ये वाला, इस वाले धागे में डाल के इस साइड का पैर सिलेंगे। सिल लेते हैं, ये देखिए ये हमने दोनों साइड के पैर इसके सिल लिए हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड के पैर सिल लिए हमने, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपको सीधा करना है। अब चाहे तो आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, पर चूंकि छोटे बेबी का है तो मैं इसमें इलास्टिक नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डोरी डालूंगी और स्टार स्टिच में इसकी डोरी बनाऊंगी। देखिए ये जो हमने स्पेस बनाया है इसमें हमारी डोरी जाएगी, ठीक है। तो डोरी कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ऊन हम छोड़ के हम यहाँ से अपना डोरी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा इतना ऊन आपको छोड़ देना है जिससे जितनी आपको डोरी की लेंथ चाहिए उतना क्रोशिया से बन जाए। तो मैंने देखिए इतना छोड़ दिया है, बड़े बच्चों के लिए और ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे आपको इस तरह से एक ये गांठ लगाना है, फिर पांच चेन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन, फिर फर्स्ट वाले में हम इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन। अब देखिए ये रिंग, ये धागा आपको अलग रखना है। इस रिंग में हम चार बार पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, सॉरी चार बार लूप लिया। अब इसे हमने बंद किया, फिर एक ये बंद किया एक चेन से, फिर एक दो तीन। अभी जो पहली वाली चेन है जो हमने बंद की है इसके अंदर हम पहले एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन के बाद फिर इसमें हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसमें हम एक दो तीन, तीन चेन, और फिर इसमें एक दो तीन चार, चार बार निकल, फिर इसे हमने बंद किया, ये देखिए बंद किया, फिर एक दो तीन, तीन चेन, फिर जिसमें हमने बंद किया है इसमें हम इसे बंद करेंगे, फिर एक दो तीन, तीन चेन, और फिर वापस से इसी में हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हमने दो दो पत्ती बनाई, ऐसे इसमें हमें पांच पत्ती बनानी, बना लेते हैं। ये देखिए पांच पत्ती बन गई और यहाँ पे तीन चेन बनाए। अब इसको हम इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको चैन बनाना है। तो देखिए ये जो दूसरा धागा हमने छोड़ा है, ठीक है, इस दूसरे धागे को आपको इस तरह से देखिए इस तरह से क्रोशिया पे लपेटना है, ठीक है, इस तरह से लपेटना है, और फिर हम एक बनाएंगे, फिर इस तरह से लपेटेंगे और फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको धागे को लपेटना है और फिर चैन बनाना है, फिर इस तरह से लपेटेंगे और चैन बनाएंगे, ठीक है, फिर इस तरह से लपेटेंगे चैन बनाएंगे। देखिए इसको ऐसे उठाएंगे, फिर इसको ऐसे उठाएंगे, देखिए तो ये थोड़ी सी मोटी चैन होगी, मोटी चैन होगी, देखिए इसे, ठीक है, इस तरह से लिया हमने और ये इसको बनाया, फिर इस तरह से लिया, इसको लिया, इसको आप चाहें तो इस तरह से हाथ में फंसा लीजिए इस तरह से, ठीक है, देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसे ही हम बना लेंगे, एक लंबी सी चैन बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने इतनी लंबी डोरी बनाई है और लास्ट में जितना धागा लिया था उसमें से इतना सा बचा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके फिर एक और चैन भी बना सकते हैं और इसको हम बाद में हाइड करेंगे। अभी हम पहले इसको हम डोरी को डाल लेते हैं। इस धागे को आपको ऐसे लेना है और देखिए पजामे पीछे की साइड से ऐसे इस तरह से आपको ऐसे आपको ऐसे करना है, ठीक है, एक एक आधी दूरी तक ले आना है। देखिए ठीक है, और इसमें से आपको देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे और इसमें से आपको इसको इस तरह से देखिए धागे को ऐसे लेके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, ये हमारा निकल गया, ठीक है, डोरी निकल गई। अब दूसरी साइड देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये है इसके जस्ट यहाँ से देखिए इस तरह से हम
फिर से क्रोशे को धागे इसमें छेदों में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से दूसरी साइड भी आपको डोरी को इस तरह से बना लेना है। ठीक है, अब इस साइड से भी आपको इसको निकाल लेना है, धागे को ऐसे इसमें डालेंगे और इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे जो ये जो धागा है, ठीक है, इस धागे को आपको देखिए इस तरह से, पहले इसको हम छोटा करेंगे और इस धागे को भी इसमें हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, और इसको आपको बाहर गांठ लगा देना है। अब यहाँ पे ये जो धागा है इसको आप खींच लीजिए, एक सिंगल धागा है इसको, क्योंकि यहाँ पे स्टार स्टिच बनेगा हमारा, तो मैंने खींच लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको आप पाँच चेन बनाइए, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 पाँच चेन बनाई और फर्स्ट वाली चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब इस धागे को आपको इधर करना है और ये धागा इसके नीचे से ऐसे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चेन बनाइए, देखिए 1 2 3 तीन चेन और इस लूप में हम चार बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 फिर इसे हम बंद करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, और फिर इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 अब फर्स्ट वाली चेन में हम ये देखिए इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 तीन चेन और फिर वापस से इसी लूप में हम इस तरह से देखिए एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, फिर वापस से 1 2 3 तीन के बाद वापस इसमें देखिए 1 2 3 और ये चार, चार बार लूप निकाला, फिर इसे हमने बंद किया, फिर 1 2 3 तीन चेन और फिर जहाँ बंद किया है वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 1 2 3 और फिर वापस से इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही हम पांच पत्तियाँ बना लेंगे, दो बना ली हैं, ये देखिए हमने पांच पत्तियाँ बना ली है, यहाँ पे तीन चेन बना ली। ठीक है, फिर इसे हम इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इस धागे को आपको इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कट कर देंगे इस तरह से, कट करने के बाद अब इस धागे को निकाल देना है और ये देखिए धागा दूसरी साइड भी है, तो इस धागे को हम यहाँ पे इस तरह से इसे हम बाहर खींच लेंगे। ठीक है, देखिए धागे खींच लिया। अब ये जो धागा यहाँ पे हमने छोड़ा था, इस धागे को आपको पीछे इस तरह से इसमें निकाल देना है। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, देखिए कट कर दिया। अब हमें यहाँ पे बांधने के लिए डोरी मिल गई, अब चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसे आप देखिए ये खूबसूरत सी बेबी पैंट बनके रेडी हो गई है, देखिए बहुत प्यारी और बहुत आसान है। तो आपको ये पैंट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो मुझसे बिना झिझक के पूछिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।